हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर कश्मीर में भी जम्मू में भी, जम्मू का कोई बॉर्डर का कोई गांव का मुझे बताया कि जब मुफ्ती साहब ने रहबर तालीम लगाए किसी को एक पैसा देना पड़ रहा हो। मुफ्ती साहब ने जो आपके एलओसी ट्रेड, मुफ्ती साहब ने कश्मीरी पंडितों के लिए जो आज 6 महीने से वहां पड़े हुए हैं, जिनको कोई पूछता नहीं, जिनको ये इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन में वोट के लिए, कश्मीर फाइल्स के लिए, उसको हिट करवा दिया, उसने करोड़ों रुपए कमाया, मगर आज कश्मीरी पंडित, उनके लिए ट्रांजिट कैब मुफ्ती साहब ने कश्मीर में शुरू किए थे। यूनिवर्सिटीज कश्मीर में, जम्मू में, हरि सिंह पार्क में, कितनी जब नाम ले लो। और आज जो आप देखते हैं, जो बहू फोर्ट की जो गंडोला है या पत्नी टाप का गंडोला है, ये बीजेपी ने नहीं, मुफ्ती साहब ने। आज जिन मेडिकल कॉलेजों का ये रिबन काटते हैं, वो मनमोहन सिंह ने दिए थे और मेरे टाइम में उनका काम शुरू हुआ था। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। अब मेरी, क्योंकि मुझे ज्यादा बोलना मुश्किल हो रहा है, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग मुझसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों इकट्ठे हो जाओ। जिस तरह लद्दाख के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपनी बात बनवाई, अपनी नौकरियां अपने पास रखी, अपनी जमीन अपने पास रखी, जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाओ। और जिस तरह 1947 में कश्मीर से चली थी बात कि हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद आपस में है भाई भाई, आज जम्मू वालों को वो काम कर, मुझे माफ कर दीजिए, गर्मी की वजह से मुझसे बोला नहीं जाता है, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ, आप आए मेरी बात सुनी। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप जम्मू कश्मीर को इस तरह रखोगे, अलग अलग होने नहीं दोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुफ्त राशन देते क्यों देते हो? अरे जिन लोगों को मनमोहन सिंह ने गरीबी से ऊपर उठाया था, आप उनको फिर नीचे ले गए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए कि उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है। ऐसी हालत कर दी आपने इस देश की, ऐसी बर्बादी कर दी इस देश की। अभी देखिए आरसपुरा कनाल, उसका हाल देखिए, अभी हमने देखा उसका हाल क्या है, कोई पूछता नहीं है। किसान से लेते हैं अनाज सस्ते दाम और उसके बाद उसको बांटते हैं गरीबों का मुंह बंद करने के, क्योंकि ताकि गरीब नौकरी ना मांगे, गरीब कुछ और ना मांगे। और यहां आके हर सवाल का जवाब क्या होता है? परिवारवाद। अरे मैं बताऊं, मेरे पास, मैं आज देख रही थी, मगर मैं कितनों के नाम बताऊं आपको, इनके पास एक ही स्टेट में 16 ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद हैं। पीयूष गोयल के बाप का क्या नाम है आपको मालूम है? वो किसका बेटा है? धर्मेंद्र प्रधान आपको पता है किसका बेटा है? अनुराग ठाकुर जो कहता है गोली मारो, वो किसका बेटा है? ज्योतिराज सिंधिया उसका बाप कौन था? निर्मला सीतारमन का हस्बैंड कौन है? अगर मैं नाम पढ़ने लगूं तो जितने सारी पार्टियां, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, समाजवादी, आरजेडी मिलके जितने लोग उसमें होंगे, उससे 10 गुना बीजेपी में है, मगर उसका नाम नहीं लेते हैं। और इससे बड़ी बात, अमित शाह साहब, जब आप परिवारवाद की बात करते हो, शहजादे की बात करते हो, आपको अपना शहजादा जय शाह याद नहीं आता? हाँ, आपको अरुण जेटली जी का बेटा याद नहीं आता? आपको ज्योतिराज सिंधिया का बेटा याद नहीं आता? आपको अनुराग ठाकुर याद नहीं आता? आपको साहेब सिंह वर्मा का छोटा बेटा याद नहीं आता? मैं इनका नाम अलग क्यों ले रही हूं? ये कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, बल्कि जो खेल है हमारे, जिनमें हमारे बच्चे दिन रात खून पसीना करके बैट उठाते हैं, बॉल उठाते हैं, खेलते हैं, उनकी बॉडीज में ये ऊपर बैठे हुए हैं ऐश करने के लिए। मुझे बताइए, जयशा को बैट पकड़ना आता है क्या? आपने देखा है कभी? अरुण जेटली के बेटे को कुछ काम, कोई गेम खेलना आता है क्या? मगर क्योंकि इसमें हजारों अरबों रुपए इन खेलों में है, उनको वहां बिठा के रखा। याद क्या आता है? शहजादे राहुल गांधी। राहुल गांधी तो ठीक है, राहुल गांधी और इनके शहजादों में क्या फर्क है? जय शाह में और राहुल गांधी में क्या फर्क है?
अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी में क्या, मैं बताती हूं क्या फर्क है। राहुल गांधी का बाप राजीव गांधी, जिसने इस मुल्क में 4 साल के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उस वक्त आईटी को लाया, जो आज आप देख रहे हो। इतना ही नहीं बल्कि अपनी जान दे दी इस मुल्क के लिए। मुझे एक बीजेपी का लीडर बताओ जिसने आजादी से पहले जेल गया हो, मुझे बताओ खुदा के लिए। जान तो बहुत दूर की बात है। इसलिए राहुल गांधी शहजादा है कि उसके बाप ने अपने प्राण त्याग दिए इस मुल्क के लिए। राहुल गांधी इसलिए शहजादा है कि बदकिस्मती से उसकी दादी इंदिरा जी ये बालाकोट चले गए। मुझे नहीं पता क्या कहना किया कि उन्होंने, ये तो किसी को भी पता नहीं है, पर बहुत उसमें उन्होंने एक इलेक्शन तो जीत लिया ना। 2019 का इलेक्शन तो बालाकोट पे जीता, नौकरियां देके नहीं जीता, 2 करोड़ नौकरियां नहीं दी, 15 लाख रुपया नहीं दिया बल्कि बालाकोट। मगर ये भूल गए, ये वही इंदिरा जी थी, दुर्गा जी का रूप जिसको कहते थे, जिसने हमसाए मुल्क में जब बांग्लादेश पाकिस्तान और पाकिस्तान में झगड़ा चल रहा था तो बांग्लादेश को अलग कर दिया, तो इंदिरा गांधी थी। मगर उसने बांग्लादेश के नाम पे लोगों से वोट नहीं मांगे, उसने उन जवानों का खून नहीं बेचा जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने में कुर्बानी दी। और फिर वही इंदिरा जी अपनी प्राण अपनी जान उसने दे दी इस मुल्क के खातिर। इसीलिए राहुल गांधी से चिढ़ते हैं। आज वही राहुल गांधी निकला है गांव गांव गली गली कूचे कूचे, जो उसके पुरखों की, गांधी जी की, अंबेडकर साहब की, सरदार पटेल साहब की, जो उन्होंने जो बनाया था इस मुल्क को विरासत, उसको बचाने के लिए धूप हो बारिश हो चल रहा है, दीवानों की तरह चल रहा है, इलेक्शन के लिए वोट नहीं मांग रहा है। बूढ़ा आता है उसको गले लगाता है, बच्ची आती है उसको गले लगाते हैं। ये और बात है, बीजेपी की आईटी सेल फिर शाम को गालियां देना शुरू करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों के लिए कुछ कहते हैं, हमारी माओ के लिए कुछ और कहते हैं। तो मैं कहती हूं कि इस देश को बचाना है, इस देश में हमने उन ताकतों को ताकतवर करना है जो इस मुल्क को बचा सके, और इसमें जम्मू का रोल बहुत बनता है। और दूसरा परिवार हम, आप मुफ्ती साहब को जानते हैं ना, 50 साल उन्होंने जिंदगी के लगा दिए, आज जो उन्होंने पूरे मुल्क की ताकत झोंकी है कश्मीर में, झोंकी है कि नहीं, फौज पुलिस ईडी एसआई सीबीआई पता नहीं क्या क्या पीयूपी यूएपीए पीएसए यानी पूरा जेल बना के रखा, फिर भी काबू नहीं होता है। मगर मुफ्ती साहब ने अपने बातों से अपने तौर तरीके से कश्मीर के लोगों के दिल जीते थे, उनको एक जगह लाके खड़ा किया जहां वो वाजपेयी जी के लिए हजारों की तादाद में तकरीर सुनने आए। ये थे मुफ्ती साहब। और कितनी देर चीफ मिनिस्टर रहे? 3.5 साल। और 3.5 साल में क्या किया? रहबर तालीम, रहबर सेहत, रहबर ज़रा, जो उस वक्त तक नामो निशान नहीं था, और हजारों के तादाद में, जरा पानी दे दीजिए,